हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी या फिर वेडिंग बन हेयर स्टाइल। ब्राइडल पे भी आप ये ट्राई कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, तो आप खुद से भी बना सकते हो। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड जो सेकंड चैनल है उस पर मैं मेकअप ट्यूटोरियल एंड ड्रेस डिजाइनिंग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, तो प्लीज़ गो टू माई सेकंड चैनल। सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2, आप जाके उस पर देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जैसे इस चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट किया। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी रील्स वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इस हेयर स्टाइल को आप सेंटर पार्टीशन से भी कर सकते हो, साइड पार्टीशन से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेंटर पार्टीशन से ही करूँगी। जो हमारा क्राउन एरिया है वहाँ से आपको हेयर को लेना है इस तरीके से। ओके, फ्रंट के हेयर को ऐसे ही छोड़ेंगे, बैक का जितना भी हेयर है उसमें एक पोनी बनाएंगे। ध्यान दीजिए कि आपका जो फ्रंट का हेयर है वो बैक में मिक्स ना हो, नहीं तो बाद में आपको हेयर स्टाइल करने में दिक्कत होगी। रबर बैंड को लगा लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ से इस तरीके से हेयर को खींचना है। अगर बहुत ही पतले हल्के बाल हैं तो ये खींचना जरूरी है, जिससे कि आपके क्राउन एरिया में बाउंस आ जाए एंड वॉल्यूम दिखे। ओके, अब आपका जो फ्रंट का हेयर है उसको टू पार्ट में अगेन डिवाइड करेंगे। और पीछे के हेयर्स को थोड़ा थोड़ा लेंगे, इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद आगे ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरीके से करना है, देन पिक्चर क्लिप या बॉबी क्लिप जो भी हो आपके पास उससे आपको इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे आपके हेयर अगर थोड़े से पफ आपका कम दिख रहा है तो आप इस तरीके की पूंछ वाली कॉम ले सकते हो और ऊपर की तरफ इसको खींच सकते हो, जिससे कि थोड़ा अच्छे से वॉल्यूम आ जाए। अब आपको फिर से जितने भी हेयर हैं उनको इस तरीके से लेना है, देन ट्विस्ट करते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे हेयर को। काफ़ी अच्छा लगेगा, ब्राइडल पे भी ट्राई कर सकते हो या फिर आपने साड़ी पहनी है तो भी ट्राई कर सकते हो, लहंगे पे भी आप ट्राई कर सकते हो। सेंटर पार्टीशन, मिडिल पार्टीशन आपकी चॉइस है। इस तरीके से आपको बैक साइड में लेके जाना है, इसको आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा सा खींच सकते हो और बैक साइड में लेके जाके आपने जो क्लिप पहले लगाई थी जस्ट उसके ऊपर ही आपको ये वाली क्लिप भी ऐड करनी है। ऐसा इसलिए करना है ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो लूज ना पड़े और लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको आपको दूसरी साइड भी बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ के हेयर को हमने पहले टू पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से। ओके, और यहाँ से ट्विस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तरीके से ट्विस्ट करेंगे और आगे की तरफ पुल करते हुए हल्का हल्का इसको लूज करेंगे और ऐसे क्लिप्स लगा देंगे। अगेन यहाँ के भी हेयर को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करते हुए हमेशा हमें पीछे की तरफ लेके जाना है। आप यहाँ से ट्विस्ट करोगे तो जो आपकी स्कैल्प है वो दिखेगी और तो आपके हेयर स्टाइल को खराब कर देगी। हमेशा तो पीछे की तरफ लेके जाइए इस तरीके से ट्विस्ट करते जाइए, जिससे कि जो आपकी मांग है वो दिखे रही और आपका हेयर स्टाइल का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा लगे। लेयर्स वगैरह निकालनी है तो आपकी चॉइस है,
इस तरीके से लेके जाना है। देन इसको भी क्लिप से सिक्योर कर देना बैक साइड में। अब अपने बन को और भी अट्रैक्टिव एंड बड़ा दिखाने के लिए आपको एक लेना है डोनट बन। इस तरीके से करने के बाद से देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा लगेगा आपका फ्रंट का हेयर स्टाइल। आप चाहो तो इसके साथ टीका वगैरह ऐड कर सकते हो, टीका लगाना है तो, शादी वेडिंग है तो टीका तो लगाना ही होगा, तो आप टीका ज़रूर लगाइएगा, आपके हेयर स्टाइल को और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक मिलेगा। अब आपको सारे हेयर को एक साथ ले लेना है एंड एक डोनट बन लेना है। इस टाइप का आता है 40-50 या फिर 60-70 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगा, जितना बड़ा लोगे उतना ज़्यादा प्राइस आता है, प्राइस में मिलता है ये। इस तरीके से इसको बालों के अंदर इंसर्ट कर लेंगे और यू पिन से इसको सिक्योर कर लीजिएगा पहले ही, ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है, सॉरी जो डोनट बन है वो लूज ना पड़े। ओके, अब आपको बालों को टू पार्ट में डिवाइड करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से आपको लेना है टू रबर बैंड, सॉरी मैं पास में से निकाल दी यहाँ पे क्योंकि मैं लेना भूल गई थी साथ में ही। तो इस तरीके से रबर बैंड लेना है, देन यहाँ पे लगाएंगे हम ऐसे और इस तरीके से आपको बीच में वॉल करना है, देन इसको अंदर की तरफ से इंसर्ट करके निकाल देना है, सॉरी इस तरीके से। ओके, निकालने के बाद से आपको इसको हल्का हल्का सा खींचना है दोनों साइड से, और खींचने के बाद आपको यू पिन से इसको अच्छे से डोनट बन को फैलाते हुए लगा देना है। आप चाहो तो जो रबड़ बैंड है उसको टू पार्ट में डिवाइड करके अंदर की तरफ इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका रबड़ बैंड है वो दिखाई ना पड़े बाद में, और यू पिन से सिक्योर कर दीजिए। ओके, अब नीचे वाले हेयर को भी इसी तरीके से करना है। एक रबर बैंड और लेंगे और थोड़ा सा छोड़ते हुए जगह रबर बैंड को लगा लेंगे, फिर से इसमें तरीके से फॉल करेंगे और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ हेयर को लेके आएंगे और इसको हल्का हल्का सा खींच लेंगे। नीचे के हेयर को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, बन के चारों तरफ इस तरीके से फैलाएंगे एंड यू पिन से इसको इंसर्ट कर देंगे। अब आप देखिए कि आपका डोनट बन जो है वो कहीं से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब अच्छे से इसको चेक करते हुए, जैसे मेरा यहाँ से साइड से दिख रहा है तो इस वाले हेयर को और यहाँ के हेयर को पकड़ेंगे और एक साथ मिक्स करते हुए डोनट बन में इंसर्ट कर देंगे। सेम दूसरी साइड से करना है, दोनों साइड के हेयर को पकड़ेंगे और यूपिन को कुछ इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से ले जाके इंसर्ट कर देंगे। ओके, अच्छे से आप अपने डोनट बन को हाइड कर लीजिएगा कहीं से भी दिखाई ना दे। अब जो ये एक्स्ट्रा हेयर है इनको बन के चारों तरफ लपेट देंगे और यूपिन से अच्छे से इसको भी सिक्योर कर लेंगे। कुछ इस तरीके का हमारा बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब इसको आप फ्लावर वाले यूपिन्स एंड गजरे के साथ डेकोरेट कर सकते हो, तो मैं इस तरीके का, मेरे पास फ्लावर वाला यूपिन है, इसको मैं सेंटर में लगा दूँगी इस तरीके से, और ये हमारा बन बन के रेडी हो गया है। इसके साथ हम लोग गजरा ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप हेयर को अच्छा दिखाने के लिए हेयर पिंस वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये है मेरे बन का फाइनल लुक। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यू पिन कम ज़्यादा कर सकते हो यूज, जैसे आपको इजी लगे और आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। तो कैसा लगा हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की इजी और हेल्पफुल वीडियोज देखने के लिए